दमन दिल्ली का यार बादल के दिल्ली का यार ये सारे दिल्ली के यार ने थोनो पट के रख दिता वो जेड़े बंदे गुरु ग्रंथ साहब की बेदगी ने नहीं पड़े तो लुबी करनगे तो भगवंत मान पता की दिल्ली मीटिंग करता कहंदा मैं सवेली भी कमेड़ी तेरा मैं नाम बदल देना कहंदा की कहंदा एस वाई एल कहंदा मैं कर देना वाई एस एल एदा मतलब मैं निकलूंगी वाई एल कहंदा यमुना सतलुज लिंक एदा मतलब इधर तो कितने नहीं हुंदे पहला उधर कढ़ लिया हुआ हद तो लिया हुआ मुड़ के फाल पूरी ना लग फिर कर देंगे वकील पै गया हाई कोर्ट च लोड तो फिर भाई वो साढ़े को फ्री करांगे जप सारे मलेरकोटा मलेरकोटला निवासियों ने मेरिया भैन ने मेरिया धीं ने मेरे नौजवानों ने मेरे बजुर्गों ने मेरी प्रेस ने साड़ी पार्टी के मीत प्रधान किसान यूनियन प्रधान सरदार लखवीर सिंह जी सौंटी जो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर फतेह के मीत प्रधान ने सरदार जसवंत सिंह जी चीमा साहब वो भी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर फतेह के मीत प्रधान ने बलजिंदर सिंह रसोई जो लगातार धरने के अपना खिलाकी फर्ज समझ के साथ दे रहा पार्टी के जनरल सैकटरी ने सरदार मक्खन सिंह जी जिहड़े पटियाला जिले के श्रोमणी अकाली दल अमृतसर फतेह के प्रधान ने मालवा जोन फर्स्ट ट्रांसपोर्ट विंग के छे जिलों के प्रधान ने मेरी भैन राज कौर जेड़े अपने मालवा जोन के बीबिया के पार्टी के प्रधान ने साजिया बेगम जी सावे रवि गर्ग जी तो जी स्टेज पर चला रहे मेरे भरावान के समान मुंशी फरूक जी जेडे असी सारे गलिया च रहे हैं रजाक जी मुंशी जी मैं कि ना लव मैं सारे निजी तौर पर जानना मलेरकोटला तो मेरा शहर आपका शहर है लगातार पता नहीं किन्ने साल तो गलिया च रहे हैं सब तो पता नहीं कोई गल नहीं है हजे मैं लेट आया मैं माफी मंगता 13 दिन तो आया मैं लेट आया मेरी जमीर कहती है कि मैं दूजे दिन ही आ जाना चाहिए सीगा पर यह ऐसी गल नहीं है पर सारे सब तो पहला सलाम अलैकुम उच्ची थोड़ा जे जे आप उच्ची ना है तो फिर आप स्वागत न बोले सुन हो अज आप मलेरकोटला के शहर निवासियों के दर्द को लेके साडे बजुर्गों के दर्द को लेके साडिया बीबिया के धियां भैन बच्चियों के दर्द को लेके नौजवानों के दर्द को लेके कहने तो पहले सारे मलेरकोटला के आले दुआले के जिन्ने लोग है उन्होंने दर्द को लेके कि उन्होंने सोच पक्षों जी है धक्का हो रहा जे सेहत चंगी है तो फिर ही सारा कुछ अगे है ना तो जे सेहत ही नहीं ये धरना फिर किदा होया ऐ बीबिया बीबिया करी जाने बीबिया तो है सारे का धरना बीबिया तो बेचारिया चक्की पिस रही चार सवेरे पिस रही ये फिर धरना तो भाई सारे का ये पुलिस वालों का भी धरना पुलिस वाले ने टीका लाना पड़ता ना तो जो पुलिस वालों की सीटी स्कैन नहीं होंगी जी तो फिर भाई तुम दसो रक्षा वाले की सीटी स्कैन नहीं होंगी तो फिर सारे की होंगी है फिर सारे की किन बीमारी है सारे की हो रही है ये धरना लगे सारे के लिए जेड़ा इतों का है एस एम ओ जिले का सिविल सर्जन वह कुंभ करने की नींद सुता पिया फिर कुंभ करने की नींद उदों सौंदा कुंभ करने की जो ज्यादा रोटियां खा के घराने बारे पता नहीं लगता की हो गया फिर यह तो भाई कुंभ करने की नींद सौ गया कुंभ करना की खाता से ज्यादा रोटियां
और सारे शहर की रिश्वत ला के सौंगे गा। ये तो फिर सारे शहर तो प्राइवेट डॉक्टर तो पैसे लेके सौंगे गा। फिर थोड़ा जि सिमन मिल गया तो बाकी डॉक्टर मिल गया। मैं कहना रब दे करे देर आ देर नहीं है, रब दे करे देर अंधेर नहीं। जिवे टीके लगते हैं ना, जे लोगों का खून रूस लिए ना मरन वेल जान नहीं निकलती। जो मन दे विच ए बह जावे कि हाय मेरा घर, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरी पोथी बन जावे, ते शाम नूं गंध जिहड़ा जप पा गया सानू वो नोट साडे घर च वर जावे, ते फिर भाई ये काम सिरे नहीं लगना गा। इस करके अखलाकी तौर पर यह सारिया ने दसता है यह धरना तो ता लाना पैंदा है जो तुहाडा आगू गल ना सुने। हुण बच्चा जो रोंदा बापू टॉफी नहीं मिलता ता ही रोंदा ना, ते कदे बच्चा रोया जो मां दुध नहीं दिंदी ते बच्चा ता रोंदा नहीं तां खेडी जांदा है। फिर आप क्यों रोने हैं कि साडे नाल इंसाफ नहीं हो रहा, रोना तो ही पैंदा ना। ये कोई एवं तो नहीं घरों कंटे तो नहीं फिर रहे, ये सिर फिरे तो है नहीं गे। मुंशी जी एड्डी वड्डी लेखनी लिखते हैं ये सिर फिरे है, चीमा साहब सिर फिरे है कि बेगलो बैठे है। यदा मतलब तुम पढ़े लिखे मूर्ख लोग बने हो कुर्सी पर, आ बंदे बैठे कानूनी सारे, क्योंकि ला की कहना है इंडियन कंस्टीट्यूशन की कहना है जो थोड़ी गल प्रेजीडेंट इंडिया का ना सुने जो बस की गल, जे थोड़ी गल प्राइम मिनिस्टर जो बस की है लॉ के मुताबिक ना सुने तो फिर जो चीफ मिनिस्टर है जी के बस की गल है वह ना सुने, फिर थोड़ा वजीर जो महकमे का वो जे ना गल सुने, एम एल इलाके का गल ना सुने, डिप्टी कमिश्नर ना गल सुने, एस डी एम ना सुने, एस एम ओ तो ना सुने, फिर थोड़े को हक है कि तुम सब तो पहला मेमोरेंडम, फिर मेमोरेंडम तो बाद फिर तुम एक वार्निंग, वार्निंग तो बाद फिर धरना, फिर तुम मजारा, उस तो बाद खंभे पे, फिर टैंकी पे गेट बंद कर सकते हो, इन्हों ने रोक सकते कहते चलो। एक कानून है, एक कानून है जे तुम्हें परचे का कहे परचे के लोगों ने कहीं होर कानून की चाहिए, यदा मतलब एक कानून किया जो हाई कोर्ट जाओगे ना धरना लाया से हाई कोर्ट के रोक नहीं सकता कोई तुम्हें, थोड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है परे। इस करके जे तुम्हें वकील पै गया हाई कोर्ट की लोड़ तो फिर भाई वो साडे कोल हैगा फ्री करा। इस करके जे कैसी गल है ये कोई गल नहीं गी, ये सारिया गल आप ना सारे आप सोचते नहीं। मैं भगवंत मान सरकार को कहना भी होश में आ, कदे दादे दी कदे पोते दियां, जे तेनों नकल करते करते चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं तो फिर ला भी सकते हैं, ये ला सकते हैं। देखो ये सारा कुछ लोगों ने तोले है, मतदान है दो शब्दों में जुड़ के बने, मत मत तो बाकी भी अकल सोच विचार अंक दे कहते दान कि करना है अकल का, अकल का दान करके नुमाइंदा तुम्हें लेके आंदा है, यदा मतलब दान तुम गलत कर बैठे हो। दान कभी दिती चीज वापस नहीं होती, तुम मंदिर मस्जिद कोई दान दे दो तो प्रधान जाओ तो मौत भी खा जाए, तुम यही कहीं वापस कर सकते पैसे, वो कहते दान देवे जरूर अगले चंगे बंदे दान देवे, तुम दान देता जो दान देने वाला हस्पताल भी चक के ले गया तो फिर की पक्के भी रह गया तो थोड़ा रेता भी रह गया सारा कुछ नशा भी बनता। इस करके ये सारा कुछ है तो फिर दान देने वाला तो डॉक्टर भी चक के ले गया, तो फिर यह सारिया गल्ला जे कि आप फैसला सही किया होंगे ना साड़ी गल सुन के आप धरना नहीं सी लाना पैंता, जे आप गल उस वे सही की असी समझाया बाजू दिल्ली वाले तो। मैं तेन अज भी समझा 27-24 इलेक्शन हुण हो रही नहीं, मैं फर्ज समझा भावा कि मर्जी लिया जी, तो मर्जी है, पर जो दिल्ली का यार होगा थोड़ा भला नहीं करेंगे।
अज तो ना डॉक्टर की तनखावां का, अज तो नौजवानों का, अज गुरु ग्रंथ साहब का, अज बंदियों का, अज हस्पताल के डॉक्टर ही नहीं गए। उहदा धरना चार सवेरे धरना, यह धरना जान के लोग आए हैं, यह जान के लोग आए कि तुम धरने से रुक जाओ, होर गल्लां ना करो। तो फिर भाई आ हर जिहड़े आए है हुण तक आई जांदे आ, यह हर जान के लिए है, यह एवें नहीं आए। पहला आए 55 च, फिर 88 च आए, फिर 93 च आए, हुण 23 च आए। कहिंदे जी टुट गया सतलुज, कहिंदे टुट गया जी ब्यास, ते झग्गर भी टुट गया, ते भाखड़ डैम तो टुट गया, डैम जीसंग डैम टुटिया, डैम केड़ियां हाइडल प्रोजेक्ट टुटिया, ना पाप डैम टुटिया, ते ना कश्मीर दे चंद्र कुंड हाइडल प्रोजेक्ट टुटिया, ना गंगा टुटी है, ना जमुना टुटी है। जे जमुना टुटती उदो बन लैंदे थोड़े जिहे, इह क्यों टुटिया? क्योंकि थोड़ी सोच नूं इहने कश्मीर च आए सी उत्थे मार दिओ, दो वारी आए आ। यह सारा कुछ एक प्लैन के तहत हो रहा कि तुम अणखी बंदे हो पंजाब वाले, ये मुसलमान कौम के पंजाबी हिंदू सारे ये अणखे बंदे के भी तंगेर नहीं झल गए। इस करके थोड़ी तंगेर आ तीन काले कानून लाके 700 साल क्यों मरे है कि तुम तंगेर नहीं झलते, थोड़ी मुछ उची है, कहते मुछ थले करनी है, पर मुछ जिन्ना चर साडे नाल साडे गुरु है वह नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं 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 कर सकता, नहीं कर सकता। ये सारिया गल्ला सारा हुण फिर मैं कहना हुण रौला पै गया है, की रौला पै गया? एस वाई एल का मुद्दा भड़काता, कहते एस वाई एल निकल नहीं देनी। तो मैनू ये दसो पढ़ाई कि ने प्रकाश सिंह बादल से उहदी जुगली ने ऑर्बिट होटल ले लिया जगह भजन ला तो 2 करोड़ रुपये उदों गल पई आ, ते ओह वेख लो जाके चलो मैं होटल खा लैना। उहदे रह गए नहर कटन दा यस करती, बरनाले नूं चीफ मिनिस्टर दित्ती, उन्हें की किया उन्हें लोगों को नौकरियां देकर ना जगह ले ली लालच देकर। फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह आया, तो जगमीत बराड़ा आया, तो कपूरी का मोर्चा चांदी की गेड़ी टप्पा लाता। हम डिबेट उन्होंने भी हो रही है जेड़े नहरा कढ़ाने वाले डिबेट, तो भगवंत मान पता कि जो दिल्ली मीटिंग करता कहता मैं एस वाई एल निकल देनी, यह मैं नाम बदल देना। क्या की कहता? एस वाई एल, कहता मैं कर देना वाई एस एल, यह मतलब नहर निकलूगी। वाई है कहना यमुना सतलुज लिंक, यदा मतलब इधर तो टिकट नहीं दें, पहले उधर कट लियाऊंगा हद तो लियाऊंगा, मुड़ के फौज पूरी ना लेकर फिर इधर कर दूंगी। यदा मतलब की है तुम देखो आ जरा पंजाब है ये दरिया पड़ते बे ऑफ अरब सागर च, इधर पड़ते इधर ये जो दरिया पड़ते हैं बे ऑफ बंगाल च, उधर तो पानी इधर आ ही नहीं सकता जो जुड़ों, क्योंकि वाजपेयी ने एक एजेंडा दिता सी तुम वाजपेयी प्रधानमंत्री ने कि दरिया जोड़नी, दरिया जो जोड़ने तो फिर पानी तो उधर ही आऊगा, बीजे नहर भी जोड़ी दरिया जोड़ दो। ये सारा कुछ तुम पढ़िया करो, थोनू मारन से तुले आए हैं, पंजाब का हिंदू भी सुरक्षित नहीं, मोदी ने मारता हिंदू, हिंदू भी सुनो ईजी ने खोलता, बेगम बाजार खोलता, मेट्रो खोलता, धार खोलता, रॉयल प्रेस खोलता, तो फिर डी मार्ट खोलता, सारे मुठियां मारी जाते पंजाब के। तो फिर भाई अदानी बानी को कहते साडा बॉर्डर बंद है, तो बंगलादेश का क्यों खुला, तो फिर नेपाल का क्यों खुला, तो फिर साडा सहेली वाला बंद क्यों है, साडा वाडा बंद तो क्यों सुलेमान की क्यों बंद है, क्यों कहता जी पंजाब का हिंदू जो व्यापारी है वो ट्रक लेके जाऊंगा, ना तुम बिजनेस करोगे, ना किसान जाऊंगा, तो ना मजदूर जाऊंगा, तो इन्होंने मारता बड़े तरीके, फिर जो कानून एक है। इस करके सारे पास धक्का हो रहा है, आ भी धक्का जान बच के किया, ये जेड़े बेचारे है ना मुसलमान इन्होंने चूंबर कहीं कटना है, जिन्हें आप चूड़ी टाइट नहीं करते, चूड़ी कदे किसी ताने ना कर दें, कदे चाबी ना कर दें, कदे कहीं पलास ना करते हैं, जो पलास ना लोड़ होती है पलास ना करते हैं, जो पाने ना लोड़ पाने ना, जो फिर उत्ते चढ़ के करते हैं, हम उत्ते चढ़ के करते लगे हुए हैं, बाबरी मस्जिद ढाने तो बाद, गोदरा कांड करने तो बाद, कश्मीर के टोटे करने तो बाद, है दरबार साहब तो बाद है कि लगे हुए हैं भी इन्होंने खत्म कर दिए। ए सारा कुछ मैं कहना जे सारे मैं बेनती करता कि जिन्हें मरीज है सारे तो मैं ठीक है, मरीज है दवाई लो जिन्ना चिर लै सकते हो, तुम भाई अद्धा अद्धा घंटा सारे बैठ के जाया करो, सारे अद्धा अद्धा घंटा बैठ के जाया करो, क्योंकि जमीर जगाई दी है वो तुहाडे लई लड़ रहे हैं। मैं मुलाजमान भी कहना जिन्हें अमले के मुलाजम है वो फोर क्लास है, तुम भी आया करो, ठीक है तो तुहाडे भी लगना, होर नहीं लगना सीरियस कहता तो भी बच्चे आके बैठा करो। एक कानूनी धरना है वो गैर कानूनी है।
ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਤੇ ਸੇਵ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਾਰਾਂ ਦੀ 13 ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ ਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੁਣ ਜੀ ਜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆ 12 ਦੀ 13 14 15 ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 15 ਤਰੀਕ ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਮੋਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਕਰਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੇਟ ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਖਵਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਸਾਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੋਂਗੇ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਜੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਇਹ 27 ਆ 27 ਦੀਆਂ 27 ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਉਹ 32 ਦੀਆਂ 32 ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਮਰਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮਰਦ ਬੰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾਲੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਅਡਵਾਨੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਅਡਵਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਬੀਬੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਅਤੇ ਡਟੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਪਤਾਲ 'ਚ ਜੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮ ਨੀਤ ਰੱਖੀ ਹੈ 1582 'ਚ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 1600 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ NRC 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ MC ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੋਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਕੱਲੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ